लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। डीजीपी यूपी की मानवीय अपील पर फिरोजाबाद पुलिस का बेहद सराहनीय कार्य आया सामने। जी हाँ, समस्त अधिकारियों पुलिस कर्मियों द्वारा अपना एक दिन का वेतन 30,57,373 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में भिजवाया गया। जी हाँ, कोरोना महामारी का अंत करने में दिया अमूल्य सहयोग। बता दें, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की मानवीय अपील पर फिरोजाबाद पुलिस के एसएसपी सचिंद्र पटेल सहित समस्त अधिकारियों ने अपने एक दिन का वेतन 30,57,373 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में भिजवाए, जिसकी सुहाग नगरी की जनता ने बेहद सराहना की। इस दौरान एसएसपी सचिंद्र पटेल ने कहा कि आइए हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी का अंत करने में अपना अमूल्य सहयोग दें। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। कुछ कदम उठाएं, किस तरह की? देखिए, डीजीपी महोदय के आह्वान पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए प्रयासों के क्रम में जनपद फिरोजाबाद के समस्त पुलिसकर्मियों के द्वारा अपने एक दिन का वेतन कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए दिया गया है, जिसकी कुल राशि करीब 30,57,000 रुपए है, जो कि डीजीपी महोदय को दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में लेने के लिए। संपूर्ण भारत में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए आईटीआई एवं कौशल विकास के छात्र छात्राओं, स्टाफ, अभिभावक एवं देश के समस्त गणमान्य नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि वर्तमान में जहां हैं वहीं रहें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष से कोरोना जैसे संक्रमण को खत्म करने के का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार आपकी सेवा में मूलभूत आधार, मूलभूत सुविधा एवं खाद्य सामग्री के लिए हर संभव प्रयासरत है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें एवं देश हित की इस लड़ाई में सहयोग करें। इसी के साथ में अजीत यादव विशेष रूप से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे देश के इस लड़ाई में लड़ रहे जांबाज योद्धा सिपाहियों के लिए, पुलिसकर्मी, प्रशासन, सफाईकर्मी एवं विशेष योगदान दे रहे हमारे मीडियाकर्मी बंधुओं के लिए मैं हृदय की गहराइयों से पुनः आभार प्रकट करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं।